अंदर सफलता पाने की पूरी चाह है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है आपकी सिलेक्शन को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, मैं आपके लिए बहुत स्पेशल प्राइज़ लेने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ आपको। उसी कड़ी का दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो है रिजोनेंस, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन के बारे में। मैं बहुत ही जल्दी आपको इन सब के बारे में समझा दूंगा, 2 मिनट के अंदर ही। इसमें क्या दिया हुआ है, इससे कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। इसमें से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस ये आएंगे कि रिजोनेंस कौन से एलिमेंट्स में होता है, ठीक है। सिर्फ बेंजीन में होता है, ओजोन में होता है, ठीक है, CH3NO2 में होता है, CO में होता है, CO2 में होता है, NH2CO NH2 में होता है, ठीक है, यूरिया में होता है। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि किसमें रिजोनेंस की घटना हो सकती है। बस आपको इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और आपको आंसर दे देना है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा आपकी डिजिटल साइंस में, ओके। दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस दोनों एक ही घटना है, ठीक है। इसी में जो है कैनालिकल संरचनाएँ बनती हैं आपको। अब ये समझ लीजिए, जो रेजोनेंस है ये कैसे डेवलप होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये पाई बॉन्ड जब चेंज होता है, ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक ये एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक यहाँ पर पाई होगा, ठीक है। जब ये वाला पाई अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, बस वहीं पर रेजोनेंस होने वाला है। ये पोजीशन कई बार चेंज कर सकता है, क्योंकि ये चेंज करने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है ये खुद को चेंज करता है, पाई बॉन्ड को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, यहाँ पर CH2CHCl में दिया हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर इसने कर दिया है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये समझ लीजिए, जो प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट रेजोनेंस के ही पार्ट है। रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये होगा कि पाई बॉन्ड का जो स्थानांतरण है वो किस में होता है, तो रेजोनेंस में होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में होता है। दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। अब ये इसमें पूछेगा कि किन समूहों में मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो एक्स मतलब हेलोजन में होता है, OR OH NH2 में होता है, NO2 CO OH में होता है, एल्डिहाइड में होता है, माइनस आर इफेक्ट, ओके। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक लिखा हुआ है CH2CHCl, ठीक है। जब इसने अपना एक पाई बॉन्ड लूज़ किया, तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर चेंज हो गया और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, निगेटिव साइन ले लिया, ठीक है। मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये वाला बॉन्ड इंटरचेंज होकर यहाँ चला गया। आपको ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है। नंबर एक क्या आएगा इसमें, कि जो है रिजोनेंस किन किन एलिमेंट्स में होता है, ठीक है, बेंजीन में, CO CO2, मैक्सिमम मेरे हिसाब से इस बार चांसेस हैं CO या CO2 के, ठीक है। फिर आ जाइए इसमें, ये पूछ सकता है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स आते हैं, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर में कौन सा इफेक्ट होगा, एक्स वाला हो जाएगा, ओआर हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, माइनस में NO2 हो जाएगा, COOH CHO हो जाएगा, ठीक है। यही सब नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो बहुत ही सिंपल होंगे। हालांकि अभी तक इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन रेजोनेंस का पूछा गया है, बस नीचे वाले से कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए दूसरे वाले में, हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन, ठीक है, ये होता है अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी पर, अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं यहाँ पर हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। दूसरी बात क्या है, जैसे ये अपना एक बॉन्ड लूज करके इसको देगा, वैसे ही देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड इसमें नहीं दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें बॉन्ड नहीं दिखता है, ठीक है। और होगा क्या, देखिए यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा एक पाई हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था, कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पर रहेगा, ये दिखेगा भी बट इसमें बॉन्ड नहीं लगेगा, बस यही होता है, ओके। फिर इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा, कि किसमें किस एलिमेंट में मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होता है, अतिसंयुग्मन किसमें होता है, तो CH3+C पर मैक्सिमम होता है, ठीक है, फिर उससे कम इस पर होता है, ऐसे ही CH3C+ पर आ जाइए, ठीक है, इस पर। ये एक सीक्वेंस है। अब ये देखिए पॉजिटिव वाले हैं ना ये सब। अब मैंने कल आपको बताया था कि C+ पर कौन सा संकरण होता है, SP2, और C पर कौन सा होता है, SP3। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा, ये भी समझ लीजिए।
और दूसरे वाले जो बिना बॉन्डिंग के हैं, ये इस पे कैसे होगा? CH3, आप कंफ्यूज यहीं पे हो सकते हैं कि CH3 C+ यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पे, देखिए CH3 एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए सब दिमाग लगाइए कि CH3 यहाँ पर है, CH3 C+ है यहाँ पर। तो उन दोनों में क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप, कि इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम, थोड़ा कम। सबसे ज़्यादा किसका है? एल्केल का, सॉरी मेथिल का, ये है मेथिल, ठीक है। ये मेथिल समूह सबसे ज़्यादा होगा, उसमें जब आयन में आ जाएंगे तो ये 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इनसे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो हाइपर कंजुगेशन है, ये परमानेंट इफेक्ट है। ऐसे प्रेडिक प्रभाव जो है वो भी परमानेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक वो अस्थायी प्रभाव है, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस बार चांसेस हैं कि क्वेश्चन बन सकते हैं। आएगा क्या, एक बार फिर समझ लीजिए रिकैप के रूप में। रेजोनेंस में से एग्जाम्पल पूछ सकता है, कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। दूसरा कौन से बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड में होता है। दूसरा इसके बाद में क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट में दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस के एग्जाम्पल्स ये होते हैं, माइनस के एग्जाम्पल्स ये होते हैं, ये पूछ लेगा। फिर है हाइपर कंजुगेशन अतिशयुग्मन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल होगा, कई बार रूप चेंज कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पर जो एलिमेंट होता है वो वहाँ पर स्टेबल रहता है, पर उसमें बॉन्ड नहीं होता। ऐसे पूछ सकता है कि एक एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन है या कोई भी तत्व है, उसमें बॉन्ड नहीं है, तो उसमें कौन सा संयुग्मन होगा, अतिसंयुग्मन होगा या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। सिर्फ यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। हालांकि अभी जब है पिछले एग्जाम्स हुए उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद।